सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो दोस्तों अभी जो है आज मैं और विक्की जा रहे हैं चावड़ी बाजार। एक भाई है जो कि हमने इंस्टा रील देखी थी, वो शादी कार्ड छापते मस्त मस्त। तो आज जो है दोस्तों शादी कार्ड वगैरह देखने जा रहे हैं, और अच्छा लगा तो भाई छपवाने को भी दे देंगे। तो दोस्तों चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हो बैग वैग ले लिया, जा रहा हूँ। ठीक है, अरे सूटकेस वगैरह सब देख लूंगा, जा रहा हूँ चावड़ी बाजार। कुछ नहीं बोलेंगे, ये शांत है, सो के उठे। तो दोस्तों चलते हैं, सब बिजी हैं दोस्तों अपने अपने काम में। भैया भी जॉब पे है, सूरज भी जॉब पे गया हुआ है, पापा भी अपने काम पे जा रहे हैं, तो इस वजह से मैं और विक्की फ्री रहते हैं, तो हम दोनों जा रहे हैं ना। कार्ड छपवाइए तू ही, किसना की साइड लिखवा देंगे मेरे रंजन चंदन भैया की थाली में, दलूल दलूल आना। चलो चलो पुश्ते पे छोड़ दे यार, बाइक की चाबी ले गई हो? बाइक ये खड़ी, पापा जी भी आ रखे हैं, पापा जी का रिक्शा भी यहीं खड़ा है। चलते हैं देखते हैं दोस्तों कार्ड वगैरह कैसे हैं, कैसे भी हो छपाने तो है ही, बट वहाँ पे अच्छा लग रहा था भाई, हमने रील्स वगैरह बहुत देखी थी तो अच्छा लग रहा था। चलते हैं और सीधा दिखाते हैं आप लोगों को। और काफ़ी सारे सामान वगैरह भी खरीदने, सूटकेस वगैरह, मतलब जा ही रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो काम करके जाएंगे। चलिए किसने, अरे पबजी बंद कर दे भाई। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है लेकिन मुझे लगता है मैं असफल हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस स्थिति को कैसे संभालूं। ये पबजी वाला है क्या? ये पबजी वाला है क्या? तुम स्टार्ट तो करे, खेलेगा फ्री फायर उसको आवाज दो, जोन जोन को फिर बार जोन खेलेगा फ्री फायर। ए बंदा का आवाज दे, चल निकल यहाँ से। कश्मीरी गेट पहुंच चुके हैं, रोड क्रॉस करते हैं संभाल के। कश्मीरी गेट चलते हैं दोस्तों, चावड़ी बाजार। बस दो स्टेशन है, कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, चावड़ी बाजार। जल्दी यार, भीड़ तो ओहो कतई ऐसी चल रही है, चिल्ड वाली। तो दोस्तों फाइनली अभी जो भाई चावड़ी बाजार उतर चुके हैं, और अब उस भाई की दुकान को देखना है। कहाँ है दुकान भाई की? भाई सब रस देखो, ये दिल्ली है मेरे यार। भाई यहाँ पे गाड़ी लाना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, इसीलिए मैं मेट्रो से आया, नहीं तो भाई अपनी कार से आता, नहीं तो बाइक से आता। पैदल सब में बढ़िया भाई, पैदल पैदल चलो अपना। चलो अबे ये तो वही सड़क है, याद आ गया, जहाँ से हमने साड़ी ली थी आगे जाके उस दिन आए थे जब। अबे जब साड़ी लेने नहीं आए थे, अच्छा भैया मैं तू आए थे नई सड़क, तू भी तो आया था, भूल गया क्या? हाँ मम्मी जब आई थी। भाई साहब जाम बहुत लग रहा है, ऊपर से गर्मी इतनी है। चल ही रहे हैं, भाई की दुकान ढूंढ ली है थोड़ी बहुत, देख रहे हो भाई जाम, चलने दे, पूरा जाम लग रहा भाई साहब, खचा खच। हम तो यहाँ चलने लग गए भाई, भाई की दुकान मिल जाए थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी शादी की कार्ड की दुकान है उधर और इधर भी, पर हमें जाना वहीं है क्योंकि हमने उस भाई की रील देखी है, और कार्ड वगैरह भी अच्छे लग रहे थे, प्राइस भी अच्छे लग रहे थे। वो देखो ये रहा सामने जामा मस्जिद की गुम्बद दिख रही होगी आपको, वहाँ से मारना हमें लेफ्ट। तो ये ना पूरी कॉपी किताब की मार्केट है, ओनली फॉर कॉपी किताब, मैं पहले भी आ रखा हूँ मैं। देखो पूरी भाई साहब मार्केट, भाई साहब दिल्ली में हर चीज मिलता है, ये तो मान गया भाई मैं। हैं दुकान चलाने का इतना आसान हो गया तरीका है ना, रील के थ्रू भाई साहब बहुत काम की चीजें मिलती हैं। फाइनली भाई की दुकान पे आ चुके हैं, वो हिमांशु शादी कार्ड, चलते हैं ऊपर। तो दोस्तों फाइनली हम लोग जो भाई दुकान पर आ चुके हैं, और ये वीडियोस ना भाई मैं छुप छुप के बना रहा हूँ, वीडियोस और फोटो बनाना सख्त मना है। बाकी तो हमने बहुत सारे कार्ड्स देखे थे, बाकी आप लोग बताना आपको कौन सा कार्ड डिज़ाइन पसंद आया, और बहुत बेहतरीन बेहतरीन कार्ड्स थे दोस्तों यहाँ पर, मज़ा आ गया देखकर। सबके प्राइजेज अलग अलग थे भाई साहब, और बहुत भीड़ थी ना, इस चक्कर भाई उन्होंने वीडियो फोटो बनाने को शायद मना कर रखा है, क्योंकि काफ़ी लोग आते होंगे भाई वो कार्ड्स नहीं लेते होंगे, ऐसे वीडियोज़ वगैरह बनाकर चले जाते होंगे। बाकी एक से एक जेन्युइन जेन्युइन कार्ड्स थे दोस्तों, सच में मज़ा आ गया देख के कार्ड्स को। बाकी कुछ प्रॉब्लम में थी यहाँ पर, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा कि क्या दिक्कत हुई, क्यों हमने यहाँ से कार्ड नहीं लिया, या लिया या आगे लेंगे नहीं लेंगे, वो तो आने वाले वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। बाकी आप कार्ड्स देखो पहले, डिज़ाइन कितने प्यारे प्यारे थे दोस्तों। तो
दोस्तों अभी जो है हम लोग कार्ड वाली दुकान से बाहर आ चुके हैं और भाई अभी रोड पे ही चल रहे हैं। जो भी बात है मैं आपको घर बताऊंगा, अभी तो फिलहाल की झल्लर वल्लर मिल रहे, देख सजावट का सामान भाई, अभी ये सब भी खरीदना है हमें सजावट के लिए, सदर जा रहे हैं अभी हम। और कार्ड का क्या रहा क्या नहीं वो आपको मैं बताता हूँ घर जाके। फायर ब्रिगेड फंस गई भाई साहब, गाड़ी वाली पटकने लग गए, तो जो पार्किंग में लग रही है भाई साहब क्या गाड़ी लग रही है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहली बार देखी है इतनी पास से। एक और फायर ब्रिगेड, ओ अरुण साड़ी देखिए रहा जहाँ पे आए थे उस दिन, कहीं आग लग गई तगड़ी वाली देखना, अरुण साड़ी इतनी सारी। फायर ब्रिगेड अरुण साड़ी ने तो कब्जा मार रखा है, नई सड़क अरुण साड़ी। आगे भी फायर ब्रिगेड है भाई, तीन तीन फायर ब्रिगेड आई हुई है, पक्का कहीं आग लगी हुई है तगड़ी वाली है, लगी चुकी है या शायद बुझा चुकी है, मॉडल लग रहा है अंकल का तो। पांचवी भी खड़ी है वे, कहां आग लग गई इतनी तगड़ी, पांचवी फायर ब्रिगेड भी खड़ी है भाई यहीं, तीन तो पीछे है दो इधर है। लो जी दोस्तों अभी हम आ चुके हैं चांदनी चौक के अंदर, अभी हम इस वाली गली से निकल रहे हैं नई सड़क से और अब चांदनी चौक में एंटर कर चुके हैं मैं और विक्की, अब चल रहे हैं भाई सदर बाजार की तरफ, थोड़ा डेकोरेशन का सामान वगैरह लेना है और बहुत सारी चीजें लेनी है भाई साहब। रिक्शे वाले तो ऐसे पैसे मांगते हैं क्या बताऊं, 100-100 रुपए, 150-150 रुपए, अरे दिन का 4-4 हजार रुपए कमाते हैं, 4-5 हजार रुपए दिन का, सरकारी नौकरी वाले भी फेमस। मैं तो सुन के ही पागल हो गया, मुझे लगा अंकल 20-30-40 रुपए मांगेंगे, सीधा छूटते बोला 100 रुपए। अबे एक देख सीन, अभी हम इस गली से निकले हैं, इस वाली गली से निकले हम, मम्मी से हमें ये नहीं दिखा नहीं सड़क, हम इधर चले गए ठीक है, अभी देखिए अभी चलते रहा ये जाए जाए, पता कितनी दूर है हल्का सा, जितनी दूर हम बाहर आए इतनी दूर पहले गए हम, हमें समझ नहीं आ रहा नई सड़क का है, तो हमने वहाँ से रिक्शा लिया 50 रुपए लिए यहाँ तक छोड़ने के। अच्छा सामने से यही छोड़ के जहाँ से भी निकले हैं भाई, इतना पैसा भाई सही में, और बंदे यहाँ पे पैदल बहुत कम लोग चलते हैं, सामान होता है ना बंदों के पास इसलिए कम चलते हैं, पैदल भी ऐसी बात नहीं है, बट भाई देखो कोई भी रिक्शा खाली नहीं है, सब में सवारी ही सवारी, लग रहा है अब ये यूट्यूब वगैरह छोड़ कर रिक्शा ही चलाना पड़ेगा। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, पर ऐसी मेहनत हम पे होगी भी तो नहीं। दोस्तों यहाँ हमने लिया कचौड़ी, अभी भूख लग गई है अंकल से लिए, खस्ता कचौड़ी खाते हैं फिर चलते हैं सदर बाजार की साइड, क्योंकि टाइम लगने वाला है वहाँ पे। सदर बाजार कहाँ है अंकल, यहाँ पे कितनी दूर है यहाँ से, मतलब यहाँ से किधर जाना पड़ेगा मुझे, बिल्कुल सीधे सीधे ठीक है, खस्ता कचौड़ी खा के चलते हैं। लो जी दोस्तों सदर बाजार पहुँच गए भाई साहब, जैसे जैसे रिक्शे में बैठ के, अरे भाई आ जाना बिल्कुल लेना, अभी नहीं लेना भाई हमें कॉस्मेटिक का सामान। और भाई साहब यहाँ पे अभी सीन भी हो गया था पिछले संडे, यहाँ पे भीड़ के कारण भाई साहब जैसे कहते हैं ना बहुत सारे लोग, क्या बता रहे थे अंकल वो रिक्शे वाले, मर गई थी एक लड़की दब के भीड़ से, मतलब पहली बार आई होगी शायद वो, हाँ तो घुटन से मर गई वो। अच्छा भीड़ के देख लो, तो पिछले संडे की बात है, यहाँ पे इतनी भीड़ होती है सदर बाजार में, हम डेकोरेशन के सामान वगैरह लेने आए हैं। चलो भाई किस दुकान पे चलना है, अभी आगे लड़ी भी मिल रही विक्की जो हमने ली थी वो वाली, भाई सब पुलिस वाले भगा रहे हैं, अभी का सीन बताऊंगा, हाँ दुकानें बंद कर दी सबने पुलिस वालों के चक्कर में, अभी हम एक सामान ले रहे थे और भाई साहब हमारे हाथ में से छीन कर ले गया पुलिस वाला, वो बंदा कह रहा है भाई तुमने मेरा माल छीनवा दिया, देखो पुलिस वाले चल रहे हैं बगल में, सबने दुकान बंद कर दी, बंद कर दी सबने दुकान बंद कर दी तुरंत ही लट बट लेके, पता नहीं क्या दिक्कत है शायद भीड़ की वजह से कर रहे हैं भाई साहब, भीड़ देखो उधर तो भाई जगह ही नहीं है जाने की, किधर जाना है अब, फोन करना भैया को, फोन निकालना मेरा, क्या लिया हमने दिखाई किस वाले जेब में, इस वाले में ये लिया दोस्तों, अभी हमने लाल पर्दा लगवा देंगे। चलो वाह भाई वाह, गहने बढ़िया बढ़िया गहने, चलो जी दोस्तों एक ये लिया अभी जस्ट, ये हल्दी मेहंदी जो भी फंक्शन हो ये लगा देंगे, पूरा पैकेट 70 रुपए का, बढ़िया है, हल्दी मेहंदी जो फंक्शन होगा ना उसमें मांग पे लगा लेंगे, मांग टीका जो होता है ना औरतें लगाती हैं वो लगा, आ गया है वो,
घुमा के तो देखेंगे, चल तो सही। प्लास्टिक का और एक ये लिया दोस्तों, हल्दी मेहंदी का, हल्दी मेहंदी है और ये शादी वाला घर इसमें, बाकी चल के घर पे दिखाएंगे। भाई सब बहुत सही चीज़ है। ये कितने का अंकल? 60 रुपए का है, जो ले लेते सही बता। जो चीज़ हमने लिया वहाँ पे वो 60 का है और पीछे 70 का था, और हमने 70 में ही ले लिया। आप अमर रहो दोस्त, ये लिया है 4, ये ले डाल लीजिए। गुब्बारे छाट रहा हूँ मैं, देखता हूँ। 2 ये ले लिए, 1 ये ले लिया, कितने हो गए? पकड़ियो रख इसे, पन्नी दे दे भाई। अब देने कितने जी सर? 200 पूरा फिक्स प्राइस, फिक्स प्राइस भाई। इसको हमारे रखने से नुकसान लगता है भाई, इसको रखूंगा ही। महीने में कहीं 2 पीस बिकते हैं, 2-3 पीस। शादी वाला, जब शादी हो घर में जब तो कोई लेगा। अब बिकेंगे ना, शादी है। चल महीने बिकेंगे दोस्तों। बेल्ट भी ले ली मैंने, गुब्बारे वगैरह ले लिए, हल्दी मेहंदी ले ली, यही छोटे छोटे शॉपिंग कर रहे हैं। चौमिन करो प्लेट अंकल। भाई 2 जगह देना। अब हम आ चुके हैं क्रॉकरी मार्केट में, जहाँ पर कप प्लेट बर्तन वगैरह मिलती है दोस्तों। सब की गलियाँ अलग अलग बटी हुई है, और भाई साहब दिवाली के टाइम पे इतना रस है कि क्या बताऊँ। और दोबारा भाई बन गया है डाकू, बेल्ट लटका लिया मैंने। तो कितने खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें मिल रही है दोस्तों, वाह भाई वाह। कहाँ मिलेगा विक्की वो? एंड में ना यार। ये देखो दोस्तों, चप्पल और तोड़ दी मेरी, प्यार रख दिया एक भाई ने, इसको ऐसे घसीटता रहूँगा लंगड़ों की तरह। और दोस्तों एक ये सूटकेस भी ले लिया, क्यों तभी तो बोल रहा था कवर हल्का भी बहुत है यार। ठीक है चल। तो दोस्तों सूट के वगैरह यहाँ रखा हुआ है, छोटे मोटे सामान थोड़े ये रहे, बाकी बैग में रखे हैं विक्की के। और टिकट लेने आ रखे जी चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पे, लेके चलते हैं घर। हालत ख़राब हो गई भाई चलते चलते, और चप्पल अभी तक नहीं जुड़ी, हर जगह पूछी, टूटी चप्पल में ही चल रहा हूँ भाई, चल भी नहीं पा रहा मैं एक तरीके से मानो। आगे चलते हैं, मिल गया, ले पकड़। चलो जी। तो दोस्तों फाइनली अभी जो भाई घर पे आ चुका हूँ, और जो घर पे आती भाई खोला पका ली होने लग गई, देख रहा हूँ ना मैं, मतलब ऐसा है कि इसमें और बेल्ट तो ली बढ़िया है। और भाई सारा सामान यहाँ रखा है, देख लो भाई ये लेके आऊँ भाई साहब, अब मानोगे नहीं। कितने का अभी, कितने का दिया था ये? ये 150 के 10 है भाई, ऐसे 150 के 10। एक ये है भाई, इधर से लाया हूँ यहाँ से, ये हल्दी मेहंदी, मेहंदी। और ये दिवाली वाले भी ले आया हूँ, क्योंकि भाई दिवाली भी आने वाली है, तो वहीं से ले आया हूँ मैं। और तुम्हारा ये हल्दी का है एक, और एक ये है शादी वाला घर, इस पे लिखा है शादी वाला घर, शादी वाला घर। और बाकी क्या है इसमें? अच्छा ये मांग टीका है, मांग टीका खोलियो इसे। और बाकी ये 4 दीपावली अलग है गेट के लिए, ये मेन गेट के लिए। ये मांग टीका है, फंक्शन पे पहनने वाला। तो तुम पहनोगे? मम्मी पहनेंगे, लेडीज पहनेंगे गांव में। अच्छा मैं समझा अपने लिए लिया है। और ये भाई दिवाली पे जलाने के लिए धूप बत्ती भी ले आया हूँ, सॉरी रुई, रुई अगरबत्ती भी नहीं कहते, रुई वाली बत्ती है। और ये ले आया हूँ भाई साड़ी वगैरह रखने के लिए, जो कि वहाँ पैक होके जाएंगे। इसमें भाई सब मस्त लगती है, एक ये लेकर आया हूँ, छोटी छोटी चीज़ है, गुब्बारे वगैरह लेकर आए हैं जो कि हम वहाँ पे डेकोरेशन करेंगे। और एक ये हल्दी वाला डेकोरेशन है पूरा पन्नी पैक, इस पर हल्दी वल्दी लिखा हुआ, 2 स्टार है, पीछे झल्लर है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पूरी हालत ख़राब हो गई आज, 8 बज गए। सूटकेस भी बढ़िया है भाई, बताना सूटकेस कैसा है? बिल्कुल 28 लार्ज साइज है, बिल्कुल बड़ा। 8 बज गया दोस्तों आते आते,
वहाँ पे फोन तक नहीं निकाल रहा था भाई, इतना डर भाई पुलिस वाले छीन ले रहे थे। एक लेडीज का फोन छीन लिया, पैसे चुरा लिया चलते चलते ही, भाई साहब इतना बुरा हाल। बाकी तो बढ़िया है दोस्तों, चलो। तो दोस्तों आज है नेक्स्ट डे, और आपने कल देखा था कि भाई हम लोग ना सदर बाजार गए हुए थे छोटे मोटे सामान वगैरह खरीद के लाए डेकोरेशन का। और दोस्तों मेन काम तो हमारा शादी का कार्ड छपवाना था, बट वो हो नहीं पाया, जैसे कि मैंने बताया था घर जाके बताऊंगा। तो दिक्कत ये हुई दोस्तों वहाँ पर, वो जो भाई थे शादी कार्ड वाले, वो सिर्फ कार्ड ना दोस्तों हमें सिर्फ डिजाइन दे रहे थे, प्रिंट करके कुछ नहीं दे रहे थे, जिसपे नाम एड्रेस शादी कब है कहाँ है कैसे है जो ये सब प्रिंट होता है ना, वो कुछ नहीं दे रहे थे, सिर्फ और सिर्फ सिंपल शादी कार्ड दे रहे थे। प्रिंट आपको कहीं और से कराना था, तो फिर भैया ने बोला कि अभी रहने दे, प्रिंट कहाँ होगा कहाँ नहीं हमें तो पता भी नहीं है। भाई ने बोला भाई वो आपकी हेडेक है, आप कहाँ प्रिंट कराते हो, हम सिर्फ शादी कार्ड देते हैं। तो मैंने कहा भाई अभी रहने दो, फिर हम देखते हैं डिस्कस वगैरह करते हैं घर पे, फिर आपको बताते हैं। अगर वो प्रिंट करते होते तो उस दिन ही ऑर्डर दे देता शादी के कार्ड का, बट अभी उस दिन नहीं दिया, तो अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। उसके बाद दोस्तों छोटी मोटी खरीदारी करी हमने डेकोरेशन के सामान की, जैसे कि आपने देखा सूटकेस वगैरह लेकर आया जितना हम पे हो पाया। बाकी तो अभी बहुत सारी चीज़ और खरीदनी भी है, तो आने वाली वीडियोस में शायद आपको मैं दिखाता भी रहूं। तो बाकी आज की वीडियो में यही था, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे जो मेरा बहन है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।